इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड है फार्म की ऐप, जो कि एग्रीकल्चर ऐप है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। इसको आपको सीधे प्ले स्टोर में जाके वहां से फार्म की डाके इंस्टॉल कर लेना है और यहां पे नंबर डाल के आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप सीधे इसके इंटरफेस पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको हर तरह के सब्जी का बीज आपको मिलेगा, या आपको यहाँ मौसम संबंधी भी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर बीज घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। फल का, फ्रूट का और किसी भी सब्जी का, किसी भी कंपनी का आपको सीधे यहाँ से किसी भी एक बीज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। और अगर आप 1500 से नीचे की शॉपिंग करते हैं, ऊपर की करते हैं, तो उस पर आपको डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना होगा। तो भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अच्छा ऐप है और ऐसे हमारा ऑर्डर बहुत ही आसानी से कन्फर्म हो जाता है और घर बैठे बीज मिलेगा और साथ में रजिस्टर्ड बिल भी दिया जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग गुरु में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इस समय धान की फसल में जैसे कि झंडा रोग, बकानी रोग, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और फैल रहा है। और अगर बात करें तो ये बासमती 1509 और 1121 इसमें ज़्यादा फैलने के इसके लक्षण रहते हैं और इस प्रजाति में इस बीज का जो धान रुपाई की जाती है उसमें ये ज़्यादा फैलता है। बाकी फैलने को तो अन्य भी जो धान की फसल है उसमें भी ये फैलता है। तो इसके अगर लक्षणों की बात करें तो इसके जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण रुपाई करने के 2 या 3 सप्ताह के बाद इसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें जो रोगग्रस्त पौधा होता है अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक लंबा हो जाता है। बकानी रोग की बात कर रहे हैं, जिसके कारण से झंडा रोग भी कहते हैं, नाम अलग अलग हैं, रोग एक ही है। वातावरण में अत्यधिक आर्द्रता होने पर भी सड़न देखी जाती है, जिससे पौधा सड़कर समाप्त हो जाता है। यदि यह पौधा नष्ट नहीं होता है, इसकी बढ़वार सामान्य से अधिक कर बालियां तो बनती हैं, किंतु इन बालियों में दाने नहीं पड़ते हैं, जिससे फसल के उत्पादन पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। या जो रोग है फ्यूजेरियम नामक जैसे फंगीसाइड है उससे होता है, और जो बीज है जनित रोग जैसे संक्रमित बीज द्वारा पौधों में ये आ जाता है। और इसको बचाने के उपाय क्या हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहले बात आती है कि बीज को शोधन करके ही उसकी बुआई करनी चाहिए। बीज का शोधन करने के बाद ही बीज नर्सरी के लिए डालना चाहिए। और खड़ी फसल में अगर ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए आपको आपको क्या करना, हम उसके बारे में बताएँगे कि जिससे इस रोग से निजात पाई जा सके। आपको करना क्या है, खड़ी फसल में प्रिपकोनाजोल 25% ईसी जो है, प्रिपकोनाजोल 25% ईसी जो कि एक फंगीसाइड है, उसको आपको 200 लीटर पानी में 200 ml मिला लेना है। प्रिपकोनाजोल 25% ईसी 200 लीटर पानी में 200 ml मिला के आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव स्प्रे कर देना है। और ये जो बकानी रोग, झंडा रोग है, ये आपकी फसल में जो लगा हुआ है ये समाप्त हो जाएगा। आपको बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आवश्यकता अनुसार 12 से 15 दिन के अंदर 2-3 बार छिड़काव करना जो है सही रहेगा। तो इतना आप ये कर सकते हैं, ये एक फंगीसाइड है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको इसी तरह की वीडियो खेती संबंधी और भी किसी फसल संबंधी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसी तरह की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।